वायनाड में लगातार जारी भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, लोगों को बचाने में जुटा है सेना और प्रशासन। राहत कार्य में लगाई गई तमिलनाडु की फायर एंड रेस्क्यू टीम, 12 सदस्यों के साथ 5 स्नाइपर डॉग्स भी रेस्क्यू में शामिल। वायनाड के आर्मी कैंप में एक्टर मोहनलाल ने भारतीय सैनिकों से की मुलाकात, लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी में दिखे। वायनाड में हुए तबाही का ड्रोन विजुअल आया सामने, चारों ओर दिखा खौफनाक मंजर। केरल के वायनाड में राहत बचाव कार्य जारी, पुंचीरी मट्टम गांव में मशीनों से सही किए जा रहे हैं रास्ते। रुद्रप्रयाग में रेस्क्यू का काम तीसरे दिन भी जारी, अभी भी इलाके में मौसम खराब। दो दिन में 7,000 यात्रियों की बचाई गई जान, आज रेस्क्यू के पूरे होने की उम्मीद। खराब मौसम के चलते फिलहाल शुरू नहीं हो पाया हवाई रेस्क्यू अभियान, MI-17 आज भी नहीं भर सका उड़ान। धाम में फिलहाल 400 भक्तों के फंसे होने की खबर, प्रशासन पूरी तरह से रेस्क्यू में जुटा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीमें पैदल रेस्क्यू अभियान में जुटी, पुलिस और पीआरडी भी दे रही है पूरा सहयोग। शिमला के रामपुर में बादल फटने से हुए मलबे को हटाने में जुटे लोग, व्यवस्था को पटरी पर लाने की पूरी तैयारी। रामपुर में भारतीय सेना राहत बचाव कार्य में जुटी, उफंती नदी के ऊपर सेना ने बनाया अस्थायी ब्रिज। अस्थायी ब्रिज बनने से राहत कार्य होगा तेज, दूसरी जगहों से बन सकेगी कनेक्टिविटी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटने से बिगड़े हालात, कुल्लू मनाली हाईवे का बड़ा हिस्सा बहा। गुजरात के वलसाड़ में जोरदार बारिश, रेलवे अंडरपास में जलभराव से बढ़ी लोगों की दिक्कतें। नवसारी और डांग जिले में 3 दिन में बारिश, सपुतारा ने 3 इंच ऊंची हुई है बारिश। सापुतारा में बारिश के कारण अंबिका नदी में बाढ़ जैसे हालात हुए, लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे। पर्यटकों के पसंदीदा गिरा वाटरफॉल का रौद्र रूप, प्रशासन ने करीब जाने पर लगाई पाबंदी। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में जोरदार बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव। पश्चिम मेदिनीपुर की झूमी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, किनारे के लोगों को किया गया अलर्ट। भोपाल में भारी बारिश के चलते लबालब हुए डैम, खोले गए कलियासोत डैम के 5 गेट। डैम खुलने का नजारा देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, नदी के किनारे दिखा पिकनिक स्पॉट जैसा नजारा। मैसूर के बागलकोट में नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते आई बाढ़, मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा ने किया इलाके का निरीक्षण। वाराणसी में मूसलाधार बारिश से बड़ा गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा जलस्तर। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश, 7 इंच तक हुई बारिश। बारिश से वापी में चारों ओर जलभराव, 47 सड़कें वाहनों के आवागमन के लिए बंद। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ जिलों को लेकर जारी किया अलर्ट, माध्यम से भारी बारिश की आशंका। गुजरात में मौसम के औसतन 60% से अधिक बारिश, जल जमाव से कई इलाकों में परेशानी। मध्य प्रदेश के हरदा में नर्मदा नदी के पुल में हुआ छेद, मरम्मत कराकर एक तरफ से निकल रहे हैं वाहन। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह भी रहे मौजूद। कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर बोले पीएम मोदी, एग्रीकल्चर को बताया इकोनॉमिक पॉलिसी का केंद्र। पीएम मोदी ने एक बार फिर विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को दोहराया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के मंत्र का किया जिक्र। भारत मानवता के कल्याण को सर्वोपरि रखता है। G20 के दौरान भारत ने वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का विजन सामने रखा। साथियों, विश्व बंधु के तौर पर भारत मानवता के कल्याण को सर्वोपरि रखता है। देश के छोटे किसानों को पीएम मोदी ने बताया आधार, कहा छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की बड़ी ताकत।
बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर भक्तों का जोश बरकरार। यात्रा के दौरान भक्तों की संख्या ने बनाया कई नए रिकॉर्ड। कठुआ के लखनपुर में गूंजे बाबा बर्फानी के जय घोष। अमरनाथ यात्रियों के आने पर सिलसिला जारी। कठुआ में यात्रियों के दस्तावेजों की भी हुई जांच, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ के लिए तीर्थयात्रियों का नया जत्था हुआ रवाना। बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पहुंचेंगे। श्रीनगर बेस कैंप में व्यवस्थाओं पर भक्तों ने जताई संतुष्टि, कहा सफाई से लेकर सुरक्षा तक के बेहतरीन इंतजाम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के डीएम एसपी से वर्चुअली की मीटिंग, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए दिया दिशा निर्देश। वायनाड में आदिवासी समुदाय के 6 बच्चों को वन विभाग ने अधिकारियों ने रेस्क्यू किया, बच्चों को गोद में लेकर जंगल से बाहर आए अधिकारी। 8 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सीएम पिनाराई विजयन ने अधिकारियों की तारीफ के बांधे पुल। बापतला में सूर्य लंका बीच पर युवक के लिए मसीहा बनी आंध्र प्रदेश पुलिस, पुलिस ने समुद्र में डूबते युवक को बचाया। करगिल में गिरी इमारत, घटना में 5 लोग हुए घायल, राहत और बचाव कार्य जारी। पुंछ में पहली बार प्रशासन ने शुरू करवाई पैराग्लाइडिंग, बड़ी संख्या में सैलानियों ने लिया पैराग्लाइडिंग का लुत्फ। भोपाल में बीजेपी नेता रघुनंदन शर्मा ने लाडली बहना लाभार्थियों को सीएम की मदद देने पर दी प्रतिक्रिया, कहा जो बहनें नहीं मनाती रक्षाबंधन उन्हें क्यों दी जाए मदद। यूपी में जातिवाद को लेकर शुरू हुआ पोस्टर वॉर, एसपी कार्यालय के बाहर बीजेपी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स। तिरुवनंतपुरम में श्रद्धालुओं ने धूमधाम से मनाया बाली थर्पनम, श्रद्धालुओं के निभाए त्योहार के सभी रीति रिवाज। बेंगलुरु में मुद्दा घोटाले को लेकर गरमाई सियासत, बीजेपी जेडीएस करेगी कांग्रेस सरकार के खिलाफ पदयात्रा।